तो हाय एवरीथिंग, दिस अक्षांश। तो आप लोगों के पेपर ख़त्म हुए और मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा था। लाइक क्लास के ग्रुप्स पे मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं। आई फेल्ट दैट कि मतलब मेजोरिटी बच्चों के पेपर की बार जैसा सोचा था वैसे नहीं, एंड बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, एंड कई ICAU गाली दे रहे हैं। वॉइस नोट्स वगैरह में सुने मैंने कईयों के, तो ऐसा लग रहा है कि चलो पर बहुत पढ़ाई करी थी, सोचा था इस बार निकल जाएगा। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम ही ऐसे टाइम पे, जब भी होता है ना कि जब भी ऐसी खराब सिचुएशन होती है तो मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ, वैसा हो रहा है। बोला अब ये तो ठीक है, अब घर पे क्या बोलेंगे इफ इन केस कुछ नेगेटिव हुआ तो। और तो रिजल्ट नहीं आ रहा होता ना, तब तक हमें लगता है कि हम फेल ही होने वाले हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स फर्स्ट। और ये सब चीज़ें हो रही हैं, और बार बार हम क्या करते हैं, अपनी कॉपी उठाते हैं, पेपर उठाते हैं और नंबर जोड़ना चालू कर देते हैं कि 40 बन रहे नहीं बन रहे। कभी कभी 38 बन जाते हैं, कभी कभी 42 बन जाते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से नंबर जोड़ लेते हैं। वैसे बताऊँ, आपके हिसाब से जो आप जोड़ रहे हो वैसे नंबर मिलते हैं। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं। सबसे दुख की बात तो ये कि हम इस बात से कंसर्न हैं कि घर पे इफ इन केस कुछ नेगेटिव हो तो घर पे क्या बोलेंगे। आप इस वीडियो को है ना एंड तक देखना, 10 मिनट बाद यू विल फील गुड, यू विल फील रियल, दैट विल बी गुड। ट्रस्ट मी, यू ऑलवेज ट्रस्टेड मी, तो इस बार अच्छा ही फील होगा आपको। आपने बताया प्रेमानंद महाराज हैं, सब जानते हैं। तो एक बात बोलते हैं कि जो तो चीज़ें लाइफ में हमारे हिसाब से हों और हमें मिल जाएं, वेल एंड गुड, और जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं मिले, अनसक्सेसफुल जिनको हम कहते हैं या फेलियर जिनको कहते हैं, मतलब जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही, और उनको भी अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं विद अ स्माइल, तो भगवान जो आपको देता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। जो आपने सोचा होगा ना, तो भगवान के लिए बहुत ही तुच्छ होगा, यानी आपको क्या मिलेगा। कंडीशन इज दैट कि एक्सेप्टिंग एवरीथिंग विद अ स्माइल। अगर आप रामायण की बात करें, मैं रिलेट करूंगा ना हर चीज को विद प्रूफ। रामायण की बात करें, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, एवरी वन वॉज सो हैप्पी। ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि 14 साल के लिए वनवास पे जाना है, राजा वाली ड्रेस उतारी उन्होंने, पर विदाउट एनी इफ एंड बट, विदाउट एनी रिग्रेट्स, वो चल दिए वनवास के लिए, 14 साल के लिए, 14 ईयर्स। 14 साल पहले, वनवास से पहले ही वॉज राम, वनवास के बाद बस प्रभु श्री राम। 14 साल के फेज में प्रभु बन गए, वो भगवान बन गए। तो आपका फेज होता है ना स्ट्रगल वाला फेज, तो अगर आप, दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसमें गिव अप कर दो, मेरे से नहीं हो रहा, या आप बिना किसी रिग्रेट्स के, पता है भगवान को वैसे ही लोग पसंद हैं जो हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। जो आदमी रोता रहता है ना, जो आदमी नेगेटिव होता है, उसकी लाइफ में हर चीज़ नेगेटिव होती है, और जो इंसान पॉजिटिव होता है ना भाई, उसकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। जिसके अंदर पेशेंस होता है ना, जिसको लगता है कि नहीं अच्छा होगा मेरे साथ, एक होप के साथ, नहीं अच्छा होगा मेरे साथ, अच्छा इतना अच्छा होगा कि पूछो मत, के साथ अच्छा होता ही है। रामायण में शबरी सब जानते हैं आप, सब लोग उनको संत महात्मा जितने भी आसपास से गुजरते थे सब बेवकूफ़ समझते थे। कुत्ते रोज सुबह सुबह उठती है, फूल तोड़ती है, बिछाती है, फल अच्छे अच्छे मीठे फल चख के रख लेती है, इस उम्मीद में कि आज प्रभु श्री राम आएंगे। और ये प्रक्रिया सालों से वो कर रही थी, एक भी दिन में हिम्मत नहीं हारी, सालों से कर रही थी, पर अंत में राम आए। मीरा को लगता था कि कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, सब लोग बेवकूफ़ समझते हैं वाली बात तो भी थोड़े टाइम पर राजस्थान की थी। मीरा तो कृष्ण मिले, बिलीव कर ले दो ना, मिलती ही है। पॉइंट इज दैट आप उसको कितना पॉजिटिव है, आप मानोगे नहीं। जो इंसान नेगेटिव है ना, जो इंसान रोता रहता है ना, कोई आपसे पूछे कि भाई कैसा चल रहा है, आप बोल रहे हो अरे भाई बेकार चल रहा है, ये उम्र हो गई अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे उम्र के लोग तो ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, ETC ETC। अब आपने तो नेगेटिव बोल दिया, सराउंडिंग में नेगेटिव गया, वो आदमी आपको 10 बातें और बोल देगा, क्योंकि आप ही ने तो मौका दिया उसको, आप ही ने उंगली पकड़ाई है, वो हाथ पकड़ लेगा, वो 4 गाली और दे देगा। अब आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी से रिजल्ट ये होता है कि हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, पैनिकनेस आती है, ओवर थिंकिंग। आप अपने बारे में जितना नेगेटिव चीज़ें बोलोगे ना, वो होंगी। आप कभी भी देखना अपने आसपास, कोई भी आदमी जो रोता है, वो आदमी रहता है ना, वो रोता ही रहता है। भगवान को भी ऐसे लोग नहीं पसंद भाई। आपके लिए कुछ कुछ बोले ना, भाई कैसा, भाई बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, मेरी जिंदगी बढ़िया ही है, और बढ़िया ही है, ये हमें गुड हेल्थ सब अच्छा है। आप हॉस्पिटल्स में जाके देखो, लोगों की हालत देखो, हम किस चीज़ से परेशान हैं, सब बढ़िया ही है। यू विल थिंक पॉजिटिव ना, एवरीथिंग विल हैपन पॉजिटिव। और अब आप बोलोगे सर हम घंटा कैसे सोचें पॉजिटिव, हमारे दिमाग में आते ही नेगेटिव, पैनिक हो जाते हैं बात बात पे, हमारे आंसू निकल जाते।
हम कैसे लाएं पॉजिटिविटी? आप अगर अच्छा सोचना चालू करोगे ना, देखो इट इज़ अ होल प्रोसेस। जैसे मैं पता है क्या सोचता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि अभी हम जिस टाइम पे हैं, तो खूब सारे अपने पेरेंट्स या अपने बड़े बुजुर्गों को बोलते हो सुना होगा, एकदम बर्बाद टाइम है, चोरी चकारी बढ़ रही है, मार काट बढ़ रही है, कैसी जनरेशन है ना, ये सब बोलते रहते हैं। मैं बोलता हूँ दिस इज द बेस्ट टाइम एवर। अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठाओगे, अगर हम आज के 50 साल पहले पैदा होते, गरीबी थी, उससे 100 साल पहले होते अंग्रेज हमें पेल रहे थे, उससे और पहले होते तो राजा हमें शोषण कर रहे थे, कैसी घटिया जिंदगी थी। उससे पहले आदिवासी थे, उनकी भी कोई जिंदगी अच्छी थी। अभी तो सब है, 10 मिनट में रात को 2 बजे खाना मंगा लेते हैं अपन, सब कुछ तो है, सब फ्रीडम है, कोई ऐसा नहीं चलते फिरते, पहले कोई भी किसी को मार देता था, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, सब कुछ तो है। इससे बेस्ट टाइम क्या ही हो सकता है? 2024 नवंबर में जैसे है आज, ये बोलता हूँ इससे बेस्ट कोई दिन ही नहीं है, इससे बेस्ट कोई टाइम ही नहीं है, और है भी नहीं। आप खुद सोच लो, आप क्या खराबी है भाई? पहले राजा जो डांस देखने के लिए सोने के सिक्के फेंका करते थे, वो डांस अभी इंस्टाग्राम पे फ्री में मिल रहा है बढ़िया आराम। सब कुछ तो है भाई, एवरीथिंग इज अवेलेबल। किस चीज की नेगेटिविटी है ही नहीं, कुछ खराब। मेरे को लगता है कि अब पता है, सोच सोच के आप इतना इस चीज को अगर सोचोगे ना कि हाँ भाई सब पॉजिटिव है, तो आपको लगेगा कि यस एवरीथिंग इज पॉजिटिव, और इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स कामनेस इन योर माइंड। वो कामनेस, पेशेंस अपने आप आ जाएगा। पेशेंस के एग्जाम्पल मैंने आपको शबरी का दिया, मेरा का, इट कम्स ऑटोमेटिकली। और जितने भी महान लोग हैं ना भाई, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, एपीजे अब्दुल कलाम की पढ़ लो, उनको एयरफोर्स में पायलट बनना था, 5 बार पेपर दिए, फेल हुए, फिर भी एक्सेप्टेड एवरीथिंग विद अ स्माइल। फिर अंत में उन्होंने, भगवान ने क्या दिया उनको, प्रेसिडेंट बना दिया। और प्रेसिडेंट कौन होता है? सारे आर्मी का, सबका हेड होता है प्रेसिडेंट। फिर उन्होंने प्लेन चलाना सीखा भाई, इतने हजारों एग्जाम्पल से प्रूवन है ये चीज। तो आप इफ यू एक्सेप्ट एवरीथिंग विद अ स्माइल, कोई भी नेगेटिव चीज हो, बस जीत गए भाई। अब दुनिया, अब विचलित मनो मत हो, और ये चीज अब ऐसे नहीं, प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस दैट ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट यू, किसी को भी बोलो ना अपने बारे में, तो भी पॉजिटिव ही बोलो, ये सोचो अच्छा ही होगा, खराब नहीं होगा, कभी रोते मत रहो। यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आपको पता भी नहीं है भाई आप क्या हो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। यू डोंट नो योर पावर, आपको पता ही नहीं आपके अंदर क्या पोटेंशियल। और पता है जिस टाइम आपके अंदर एक कामनेस आ जाएगी ना, वो एकदम ठहराव जिस टाइम आ जाएगा, टाइम आपको अपनी लाइफ का मकसद और पर्पस भी मिल जाएगा। मतलब होता है ना कि आई रियलाइज दैट थिंग कि भाई मेरे को इस चीज में किक मिलती है, मेरे को टीचिंग में किक मिलती है, अभी मेरे को इतना मजा आता है। जैसे मेरा कल से बैच चालू है, आई एम डैम एक्साइटेड अबाउट इट। लोग बोलते हैं कि यार भाई क्या मतलब है, एक ही बैच रिकॉर्ड करके चला साल भर, क्या दिक्कत है, अमेंडमेंट जब आए वापस नया बैच रिकॉर्ड कर लेना। सब लोग ऐसे करते हैं भाई, मैं साल भर में 5-6 बैच लेता हूँ, 6-7 बैच लेता हूँ, 6 तो ले ही लेता हूँ, मेरे को मजा आ रहा है भाई। और मैंने वो चीज़ दिमाग में फीड कर ली है कि भाई सब कुछ अच्छा है, इससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं। मैं क्लास वाले बच्चे भी अगर कोई सुन रहे होंगे तो मैं यही बोलता हूँ हर बार, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट गॉड इज गिवन मी। एवरी डे अगर मैं कभी मंदिर पर जाता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ, कुछ नहीं मांगना भगवान मेरे को, थैंक यू फॉर दिस लाइफ। आपका है ना वो माइंड सेट ही वैसा हो जाता है भाई, कुछ नेगेटिव लगता ही नहीं, और कुछ नेगेटिव होता भी है ना तो उसमें भी पॉजिटिव दिखता है। जैसे अभी परसों की बात है, मैं 4 सीढ़ियों से स्लिप हो गया, बोला ओ थैंक गॉड, अगर मैं ऊपर वो तीसरी मंजिल पे जहाँ पानी की टंकी रखी रहती है वहां से स्लिप हो जाता तो मर ही जाता। हर चीज पॉजिटिव नजर आती है भाई, और कोई चीज में पॉजिटिव नजर भी नहीं आता ना, ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होगा आपको लगेगा कि सर इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें तो कुछ नहीं है पॉजिटिव, इसमें तो बेकार ही है सब। ऐसे मोमेंट्स भी होंगे कि कंसिस्टेंटली आपके साथ बेकार हो रहा होगा। तो आई बिलीव इन वन थिंग भाई, एवरीथिंग इज कर्मा। कोई मैंने बेकार कर्म किए होंगे जिनके परिणाम मैं भुगत रहा हूँ, किसी ने अच्छे काम किए होंगे उसके वो भुगत रहा है। अब मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे को अच्छी चीजें मिलेंगी, तभी प्रूफ है। जब कृष्ण भगवान का अंतिम समय था, तो वो विश्राम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और उनके पैरों में अंगूठे पे धनुष आके लगा था, धनुष मारा वो आते हुए रोया कि प्रभु मैंने क्या कर दिया, भगवान कृष्ण को कौन मार सकता है, एक आम आदमी आते। तो भगवान ने क्या बोला कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, रो मत, ठीक है, बोले पिछले जन्म में, ठीक है, त्रेता युग में मैं राम था और तुम बाली थे, कि बहुत पावरफुल था बाली, और राम ने उसको धोखे से मारा था चुपके से। तो बोले कर्मा रिटर्न्स, वो लौट के आया, मेरे को मरना था, मेरे को इसी तरीके से मरना। कुछ भी चीजें अगर आपके साथ हो रही है ना, जो आपको लग रहा है कैसे हो गई भाई, ये तो अनबिलीवेबल, ये कैसे हो गया, कर्मा आया। डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ, आपका कर्मा विल चेंज, अच्छी चीजें होंगी फिर आपके साथ, योर लक विल ऑल्सो फेवर, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें करो। और आई आपके पास वो पावर है, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, इट डजन, बस यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ। तो आपको किक नहीं मिल रही है, तो किक अपने आप मिल जाएगी आपको लाइफ में,
ना कि हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, जब तक जामवत ने रियलाइज नहीं करवाया कि आप कौन हो। आप भी वही हनुमान हो, बस मैं आपको वो रियलाइज करवा रहा हूँ, थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट पहचानो भाई खुद को, क्या पोटेंशियल है तुम्हारे। इस कारण से फील मत करो कि ये एग्जाम में प्लस होगा माइनस होगा, भाई ये तो भी है ही नहीं, जिंदगी तो पता नहीं क्या है। ऐसे खुद को पहचानो कि तुम हो कौन, और वो पहचानोगे तब जब लाइफ में ठहराव आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। आप क्या करते हो, हर चीज को एज अ पनिशमेंट देखते हो कि मेरे को पनिशमेंट मिल रही है। नहीं भाई, एक्सेप्ट एवरीथिंग विद अ स्माइल। हम हमारी लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं यार, हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप भगवान की लाइफ देखो, राम की लाइफ देखो, कृष्ण की लाइफ देखो। राम की लाइफ में कितना 14 साल का वनवास ले लिया, वनवास से लौट के आए तो सीता धरती में समा, नदी में समा, ठीक है, क्या मिला। कृष्ण की लाइफ देख लो यार, आप पैदा होने से पहले पेरेंट्स जेल में थे, पैदा होने से पहले कितने भाई मारे गए, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनके साथ रह नहीं पाए, जिस माँ ने पाला वो भी जगह छोड़नी पड़ी, ठीक है, मामा को मारना पड़ा, मामा भी कंस था, मामा जान से भी ज्यादा प्रिय है, राधा की शादी किसी और। क्या मतलब, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में गलत हो क्या रहा है भाई। ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, स्माइल, अंत में आपको बहुत सुख, लेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। कभी भी नेगेटिव मत सोचो, जो भी हो रहा है ना उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक्सेप्ट। भगवान की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थी, तो आप तो, आप भी तो राम का अंश ही हो, जो इंसान ईमानदार है सच्चा है, मैं तो राम के अंश ही है, क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं हो। बिल्कुल हो, चलिए चलता हूँ, कल मेरा बैच है तो थोड़ा देखना है मेरे को फीस वगैरह का। बच्चों अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर, चलिए थैंक यू सो मच। मत सोचो भी काम, और अभी टाइम अगर मिले ना कोविड के टाइम, जो अपने रामायण आती थी ना टीवी पे, तो देख लो एक बार वापस, मज़ा आ जाएगा। रामायण देखो, मंदिर जाओ, करो गीता पढ़ने की, शुरू शुरू में पहले बार अच्छा नहीं लगता, नहीं तो रामायण तो देख ही लो, अगर रामचरितमानस पढ़ लो तो बहुत, ठीक है, चलिए।